पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी का अहम चेहरा रहे हर्षवर्धन पाटिल ने बीजेपी का दामन छोड़ शरद पवार का दामन थाम लिया है। 2019 में महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने बीजेपी के कमल को स्वीकार किया था। अब 2024 में यही नेता बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। आने वाले समय में कई बड़े नेता महायुति को छोड़ महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल से हुई। महाराष्ट्र के 20 से 25 बड़े नेता महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी का अहम चेहरा रहे हर्षवर्धन पाटिल ने बीजेपी का दामन छोड़ शरद पवार का दामन थाम लिया है। 2019 में महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने बीजेपी के कमल को स्वीकार किया था। अब 2024 में यही नेता बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। आने वाले समय में कई बड़े नेता महायुति को छोड़ महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल से हुई। महाराष्ट्र के 20 से 25 बड़े नेता महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है।